कोई भी हम घर बनाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जाता है वो घर के नक्शे पर दिया जाता है, और अब अलग अलग नक्शे बनने लगे हैं, और नक्शा कौन बनाता है, वो बनाता है आर्किटेक्ट, यानी कि तमाम ऐसे लोग जो उसमें पूरी तरह से परिपक्व होते हैं। आज 23वां जो फाउंडेशन डे है IIA चैप्टर ऑफ हरियाणा का बनाया गया है करनाल के अंदर, तमाम जो चेयरमैन हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, वो मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने इस कार्यक्रम को मनाया। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज करनाल में आप लोग पहुंचे हैं, सेंटर है करनाल पूरे हरियाणा का, और किस तरीके से आर्किटेक्ट की जो एक दुनिया है उसमें आप लोग अच्छा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। IIA हरियाणा चैप्टर का 23rd फाउंडेशन डे करनाल में मनाया गया, हमारे IIA हरियाणा चैप्टर के चेयरमैन पुनीत सेठी जी की तरफ से, सुरेंद्र जी की तरफ से, विवेक जी की तरफ से, सिंगला जी की तरफ से बड़ा अच्छा योगदान रहा। इन सभी आर्किटेक्ट्स का हमारे पूरे आर्किटेक्चर फील्ड में बड़ा योगदान रहा है, तो मैं सबसे यही चाहूँगा कि हमारा जो आर्किटेक्चर का प्रोफेशन है ये बड़ा अच्छा रहे आने वाले टाइम में भी, और अभी भी अच्छा है भी, रहेगा भी, और आई होप कि सब अच्छा ही काम कर रहे हैं आर्किटेक्चर फील्ड में। सर, किस तरीके से सरकार आपका सहयोग करती है, या सरकार को, सरकार से आपको मदद की ज़रूरत होती है, तो कहाँ पर दोनों मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं एक समाज को, एक शहर को सुंदर बनाने के लिए? सरकार की तरफ से हमें रेगुलर सपोर्ट मिलती भी रही है। हमने लास्ट टाइम सरकार से गुजारिश की थी कि जो नक्शों का कार्य है इसको ऑफलाइन से हटा के ऑनलाइन पे लाया जाए, ताकि जो इसके अंदर होने वाली रिश्वतखोरी है, परेशानियां हैं जो आर्किटेक्ट्स को, वो कम हो। सरकार ने हमारी बातों को ध्यान में दिया और अब इन नक्शों को, प्लान्स को, इनको सबको ऑनलाइन किया। उससे बड़ा फ़ायदा हुआ है, आम जनता को भी फ़ायदा हुआ, आर्किटेक्ट्स को भी फ़ायदा हुआ है। तो सरकार और आर्किटेक्ट्स की आपस में कोऑर्डिनेशन है, इसको और हम मजबूत करेंगे। हम जल्दी ही CM साहब से मिलने जा रहे हैं, जो हमारी अपनी पर्सनल समस्याएं हैं, जो हम और समाज के लिए, शहरों के लिए, विकास के लिए जो बातें कर सकते हैं, हम CM साहब के साथ अपना। क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं सर एक आर्किटेक्ट को, क्योंकि आप एक अनुभवी आर्किटेक्ट हैं और तमाम आपने अपनी ज़िंदगी इस फील्ड में गुजारी है, क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं जो युवा आर्किटेक्ट आ रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ी चुनौती जो आर्किटेक्ट के सामने है वो ये है कि समाज को उतना अभी तक ज्ञान नहीं हुआ है कि एक आर्किटेक्ट उनके लिए क्या कर सकता है, और एक आर्किटेक्ट की सर्विसेज उनको किस लिए चाहिए। भवन निर्माण सिर्फ एक नक्शा पास कराना नहीं है, बिल्ट एनवायरनमेंट जिसके अंदर हमारी ज़िंदगी बीतती है उसको सही तरीके से रूपरेखा जो है वो एक आर्किटेक्ट ही दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता है। दूसरी चुनौती जो सबसे बड़ी आज के यंग आर्किटेक्ट्स और युवाओं के सामने है वो ये है कि ये फील्ड बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, ग्लोबल लेवल के ऊपर उनका कॉम्पिटिशन है, और उनको अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखना है, और ये ध्यान रखना है कि जो भी नई तकनीक, नए मटेरियल्स, नई चीज़ें जो भी आ रही हैं उसके लिए वो हमेशा तैयार रहें और सोसाइटी को ढंग से वो सर्विस दे सकें। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस आर्किटेक्ट का जो फील्ड है उसके अंदर करियर को, ताकि आप युवाओं को एक संदेश दे सकें कि आप अगर BTech कर रहे हैं या किसी और फील्ड में जा रहे हैं तो इस फील्ड में भी आप आ सकते हैं, यानी कि एक करियर के ऑप्शन के तौर पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, एज ए करियर ऑप्शन आर्किटेक्चर बेस्ट ऑप्शंस में से है। आर्किटेक्ट की एज ए प्रोफेशनल रेपुटेशन, एज ए सोर्स ऑफ इनकम, एवरीथिंग इज बेस्ट इन अमंग ऑल प्रोफेशंस। एवरी प्रोफेशन हैव ए चैलेंज, डॉक्टर्स का, ऑड टाइम का, लॉयर्स का, बट आई फील आर्किटेक्चर में जो स्कोप है उसमें प्रॉब्लम्स जीरो हैं और बाकी हर लेवल से बेस्ट है। अब नेक्स्ट जनरेशन शुड ऑप्ट प्रेजेंटेड। हमारे 1992 में सिर्फ ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 15,000 आर्किटेक्ट थे, और आज लगभग 30-35,000 आर्किटेक्ट पर ईयर बनते हैं। तो आर्किटेक्ट एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए चूज करने वाला एक प्रोफेशन है। एक आखिरी सवाल आपसे, लोग ध्यान देने लगे हैं। अब पहले क्या होता था, एक नॉर्मल घर बना दिया जाता था, लेकिन अब ध्यान देते हैं, यहाँ पर ये होना चाहिए, वहाँ पर ये होना चाहिए। कितना बदलाव देख रहे हैं एक आम जनता में, और कितना ध्यान अब लोग देते हैं नक्शे की तरफ, आप लोगों से बातचीत की तरफ, तालमेल की तरफ? आर्किटेक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया है, स्पेशली जब इंटरनेट आया है तो लोगों को लगने लगा है कि हम इंटरनेट के माध्यम से वो अपनी रिक्वायरमेंट को बेहतर तरीके से
आर्किटेक्ट के साथ डिस्कस कर पाते हैं और आर्किटेक्ट भी उन्हें बेहतर तरीके से समझा पाता है। तो इससे ओवरऑल एक आर्किटेक्ट और उसके प्रोफेशन के बारे में लोगों को एक उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में समझ में आया कि आर्किटेक्ट करता क्या है। और ये सबसे एक एसेंशियल आइटम है कि इस बात को समझे कि आर्किटेक्ट सिर्फ ढांचा नहीं खड़ा करता, उसके अंदर बाहर उसकी सर्विसेज, उससे रिलेटेड बिल्डिंग से रिलेटेड हर एलिमेंट का एक डॉक्टर है, वो एक विशेषज्ञ है जो एक दूसरा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। तो ये वो तमाम अनुभवी लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई है इस फील्ड के अंदर और वो लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। युवाओं को उन्होंने संदेश दिया, उन्होंने बताया कि क्या क्या चुनौतियां आती हैं, किस तरीके से वो सरकार के संपर्क में रहते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।